और चलिए इस वक्त सीधे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से चल रही है, रुक करते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हमने ये भी देखा कि माननीय सुषमा स्वराज जी ने एक ऐसे कानून के भगोड़े की मदद की, उसको ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए एक विदेशी सरकार से, जिसके खिलाफ भारत सरकार के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ब्लू कॉर्नर नोटिस है, लुकआउट सर्कुलर है, और जिसके खिलाफ भारत के इनकम टैक्स विभाग ने मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, क्रिकेट बैटिंग को लेकर, इलीगल मैच फिक्सिंग को लेकर, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की वॉयलेशंस को लेकर जिस ललित मोदी पर 700 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम हैं, ऐसे व्यक्ति को न केवल देश की विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स दिलवाने में मदद की, परंतु अब यह भी स्पष्ट है कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार से वो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाने के बाद जहां ललित मोदी जी ने कीथ वाज, जो लेबर पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका धन्यवाद किया, उनके साथ साथ श्रीमती सुषमा स्वराज के पति माननीय स्वराज कौशल जी का भी धन्यवाद किया। यह भी अब तथ्यों और ईमेल से स्पष्ट है कि इससे पूर्व में भी श्रीमती सुषमा स्वराज व उनके पति श्री ललित मोदी और कीथ वॉज से अपने भतीजे की एक यूके के विश्वविद्यालय में कानून में दाखिले के लिए ईमेल्स और वार्ता का आदान प्रदान करते रहे हैं। ऐसे में हम मांग करते हैं कि ना केवल प्रधानमंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को पदमुक्त करें, परंतु इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं समेत प्रधानमंत्री जी की भूमिका संदेह के घेरे में है, वित्त मंत्रालय की भूमिका संदेह के घेरे में है, और एक व्यापक वक्तव्य इस देश के समक्ष श्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आम जनमानस की भाषा में कहें तो आज आम जनमानस पूछ रहा है कि क्या मोदी मोदी की मदद कर रहे थे, क्या अगर मोदी मोदी की मदद कर रहे थे तो इस बारे में पूरे व्यापक वक्तव्य की आवश्यकता है। इससे पहले कि मैं कुछ प्रश्न आपके समक्ष रखूं, आई लाइक टू मेक ए वेरी ब्रीफ स्टेटमेंट इन इंग्लिश। Friends, today India witnessed a most unfortunate and a sordid drama unfold where the highest offices of Government of India, including Office of External Affairs Minister Ms. Sushma Swaraj, was found to be directly involved with a clear-cut needle of suspicion। तो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। उन्होंने हमला बोला और यह आरोप लगाया कि एक कानून के भगोड़े की मदद की गई। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं इसी बड़ी खबर के साथ।